ये मावर इलाका है और मावर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मावर में ये SMDC और SMC की जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। समग्र शिक्षा हमारी जो विंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेंट्रल स्कीम के तहत जो है इस ट्रेनिंग का इनकाद उनके कहने पर किया गया था। बेसिकली हमारी जो स्कूल प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल के जो स्कूल हैं उनमें SMC होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी, उसको SMDC कहते हैं। इनके मेंबर्स जो है लोकल PRIs होते हैं, कुछ उसातज़ा इकराम होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, कुछ जो है यहाँ के जो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ होते हैं, और फिर कुछ टेक्निकल जैसे कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंट असिस्टेंट है, उन लोगों को इसमें जो है इनकी कमेटीज़ बनी हैं, ऑलरेडी कमेटी बनी है। एक SMC में 6 से 7 मेंबर होते हैं और एक SMDC में 12 से 15 मेंबर होते हैं। उनको बुलाया गया था, वर्कशॉप करवाई गई थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसी के बारे में उन्हें बताया गया। डिफरेंट स्पीकर जो है उन्होंने स्कीमों के बारे में बताया और फिर उन्हें एक्टिवेट किया कि वो ताकि जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ के अच्छी तरीके से निभाएँ, और जो जो स्कूल में डिवेलपमेंट होती है, कोई प्लान बनता है, स्कूल के कोई भी इशू है, कोई भी मामला है स्कूल का, उनका पूरा रोल रहता है HOI के साथ। तो उसी सिलसिले में लोगों को बुलाया गया था, एक वर्कशॉप हुई जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी गई। पर्पस यही जो मैंने कहा कि SMDC और SMC के जितने भी मेंबर्स हैं उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना। तो हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन थे, हमारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस पर बात करी, डिस्कस किया, एक सेमिनार रहा एक किस्म का, जिसमें उन्हें बताया कि SMDC के मेम्बर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। इसी में ये जो है कुछ बच्चे भी थे, कुछ पेरेंट्स थे, कुछ हमारे PRIs थे, यहाँ के BDC जो है वो थे, कुछ HOIs थे, हमारे कुछ प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, जोनल एजुकेशन ऑफिसर थे। तो ये सब मिलके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मावर के इलाका में आज मावर इलाका में हमारा बहुत ही अच्छा, पेरेंट्स का भी अच्छा खासा जो है वो रोल रहता है, उनका जो है कोऑपरेशन रहता है, PRIs का बहुत कोऑपरेशन है। ये इलाका काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग जो है हो गुजरे हैं और आज भी लोगों की कोशिश है कि उस लेगेसी को लेके आगे चले। तो मुझे नहीं लगा ऐसा कोई जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन यही है कि हर बच्चे को तालीम मिले और जो मॉडर्न दौर की तालीम है वो मिले। इस वक्त हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं, आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों को हम दे रहे थे, एक्सेस पर जोर था कि स्कूल जो है बच्चों को जो है नज़दीक में मिलें, अब वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब हम क्वालिटी पर जोर रख रहे हैं क्योंकि आने वाला दौर क्वालिटी का होगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें स्किल एजुकेशन का बड़ा रोल है। तो स्किल की तरफ हम रागब कर रहे हैं और क्वालिटी की तरफ रागब कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का प्लान है? ऐसे प्रोग्राम जो है ये लगातार पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और ये सारे क्लस्टर्स में होंगे। यहाँ आज 2 क्लस्टर्स की जो है एक वर्कशॉप हुई है, जो इस जगह के बाकी 4 या 6 क्लस्टर हैं उनमें अलग से होगी, लिहाजा ये फेज मैनर में रखी गई है। ऐसी ट्रेनिंग तमाम SMDCs के और SMC के मेंबर्स को दी जाएंगी और ऑनरशिप उनको एहसास करवाना है कि स्कूल हमारे हैं। जब SMDC SMC के मेंबर्स आएंगे जो उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि स्कूल मेरा है, वो आके एक स्कूल की माइक्रो लेवल की अच्छी प्लानिंग करवाएंगे और जो है स्कूल की डेवलपमेंट करवाएंगे। सर लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जो SMC या SMDC मेंबर्स हैं क्या वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कितनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में? मुझे बताया गया जहाँ ये लोग बुलाए हुए थे उसका 80% के करीब जो है वो लोग आए थे, कुछ लोग जो है शायद नहीं भी आ पाए। तो हमें, मैंने इनको ये हदायत दी है यहाँ के जोनल एजुकेशन ऑफिसर को कि जो SMC के मेंबर यहाँ नहीं आ पाए वो दूसरी वर्कशॉप में आने चाहिए। ये आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग यहाँ आगे अटेंड किया ठीक है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया एबसेंट रहे आज, वो दूसरी वर्कशॉप में आए ताकि हर आदमी को अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पता चले। आज ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा मंजूर अहमद भाट साहब, वर्दी DDC BDC तायर साहब और फांगी साहब, जिन्होंने ड्रामा यहाँ पर पेश किया, उसके बाद है बटमाला शेख।
उसके बाद है जीटी माल।